चैप्टर हमारे पास है वेक्टर अल्जेब्रा। अब वेक्टर अल्जेब्रा जो है ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स ने पहले किया होता है प्लस वन क्लास में, जो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट वगैरह सारा चैप्टर सेम वही है। वही चैप्टर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में करने जा रहे हैं वेक्टर अल्जेब्रा। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन, और आज सारा इंट्रोडक्शन ही होगा वेक्टर्स चैप्टर का। और इस इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन वन मार्क के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो इनमें डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में। सबसे पहले हमारे पास दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। Now, what is the difference between this scalar quantity and vector quantity? Write down definition. साथ-साथ में definition लिखते जाइए आप लोग। The quantities which have magnitude only is called scalar quantity. वो quantities जिसमें हमारे पास किसी टर्म में सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। लेट अस सपोज हम लोग बात करते हैं टाइम की, फॉर एग्जांपल टाइम डिस्टेंस, टाइम उसके बाद डिस्टेंस। डिस्टेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताते हैं। टाइम होता है, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि वो आधा घंटे का टाइम मुझे दिया हुआ है, या जैसे यहाँ जालंधर से फवाड़ा आने के लिए 20 मिनट लगते हैं। लेकिन डायरेक्शन की बात नहीं की, इट मीन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टाइम, डिस्टेंस, या डिस्टेंस की बजाय अगर पर्टिकुलर वर्ड यूज करना है तो हम लोग लेंथ वर्ड यूज कर सकते हैं, सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं मास। अब इसके बाद सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास आती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है द क्वांटिटीज व्हिच हैव The quantities which have magnitude as well as direction. मतलब क्या है कि एक तो हम लोगों को उसकी क्वांटिटी की भी मैग्नीट्यूड भी बताया होता है, और साथ में हम लोगों को डायरेक्शन भी बताई होती है कि ये अगर कोई चीज मूव कर रही है, इतना डिस्टेंस मूव किया है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल फोर्स, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वर्ड में डिफरेंस है। नाइन्थ क्लास में याद कीजिए आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है कि एक पर्टिकुलर बंदा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाता है, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हम लोग कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन। Shortest distance covered by a person का मतलब होता है कि वो एक particular, मतलब अगर A point से B point पे जाना है तो वो एक particular direction use करते जाएगा, then that direction involved in the magnitude, तो उसको हम लोग क्या है displacement word कर देते हैं, और हम लोग ये कह देते हैं कि this is known as vector quantity, ठीक है जी। और इसके साथ अगर हम लोग short direction मतलब बनाना चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं velocity भी इसके साथ associated होती है, acceleration भी इसके साथ associated होती है, क्योंकि 9th क्लास में हमने डेफिनेशन पढ़ी है व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह सकते हैं, और चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। मोटे तौर पे अगर आप लोगों को ये बताएं कि अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो देन क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं देन दैट विल बी नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक पर्सन ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दिस इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक पर्सन ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस कवर किया है तो इट मीन्स मैंने उसके साथ में उसको डायरेक्शन भी बता दी है, सो इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट डाउन, लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेट एल
बी अ स्ट्रेट लाइन, एल बी अ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन और इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, इन अ प्लेन और थ्री डी स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर हम लोग एक लाइन को कंसिडर कर लेते हैं, देन दैट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, देन दैट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड। इसमें हम लोग क्या भी एरोहेड लगा देते हैं, देन द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड लाइन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन। बेटा ये अंडरलाइन करते रहिए साथ साथ में, ये जो डिफरेंट वर्ड्स हैं ये एज अ डेफिनेशन फॉर वन मार्क क्वेश्चन पूछी जा सकती है, क्योंकि अब आपके कोई पेपर का स्टाइल चेंज हो चुका है, लेटेस्ट स्टाइल जो है उसमें एमसीक्यू रिमूव हो गए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन या वन लाइन क्वेश्चन है, तो उसमें हम लोगों को डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। नाउ अगर किसी लाइन को हम लोग एरोहेड से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मैंने एरोहेड डाला है, सो दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन, यहाँ पे एरोहेड डाला है, दिस इज अ डायरेक्टेड लाइन, यहाँ पे मैंने एरोहेड के साथ दो पॉइंट भी लगा दिए हैं, एंड इफ वी रिप्रेजेंट एनी डायरेक्टेड लाइन, इफ वी रिप्रेजेंट एनी डायरेक्टेड लाइन विद टू पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दो पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही देखिए, यहाँ पे ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट विल बी द इनिशियल पॉइंट एंड बी पॉइंट विल बी द टर्मिनल पॉइंट, विद टू पॉइंट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वेयर कैपिटल ए इज इनिशियल पॉइंट एंड कैपिटल बी इज टर्मिनल पॉइंट। कैपिटल ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और कैपिटल बी टर्मिनल पॉइंट है, देन अब यहां पे मैं लिख रहा हूं देन ए बी वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए बी वेक्टर क्वांटिटी को, देन ए बी इज कॉल्ड द वेक्टर, और ए बी को हम लोग वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि यहां पे ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है, इसका मतलब है मैंने एक तो यहां पे इसको मैग्नीट्यूड दे दिया। लेट अस सपोज अगर हम लोग स्केल से मेजर करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर आता है, तो मैंने इसको मैग्नीट्यूड दे दिया है, साथ ही साथ मैंने ये एरोहेड लगाया हुआ है, एरोहेड लगाने का मतलब है कि मैंने इसको डायरेक्शन भी दे दी है, तो इट मींस ये जो छोटी सी लाइन सेगमेंट ए बी है इसमें मेरे पास डायरेक्शन भी है और इसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड भी गिवन है, सो दिस लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड वेक्टर, और इसके ऊपर हम लोग इस तरह से इसका एरो का साइन डालते हैं टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर। ये डेफिनेशन बेटा आप लोगों की बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा डेफिनेशंस हैं, तो आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए व्हाट यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेक्टर। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है द डिस्टेंस between initial point and terminal point is called, मैं यहाँ पे जानबूझ के A और B नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अगर हमारी direction change हो जाएगी तो initial point B हो जाएगा और terminal point A हो जाएगा, that is why I am not writing here particularly capital A and capital B, I am just writing the distance between initial point and terminal point is called magnitude of a vector, magnitude of a vector, this is the first characteristic of the vector. Second characteristic होती है हमारे पास sense, वर्ड सेंस यूज किया जाता है फॉर डायरेक्शन, द डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर इज कॉल्ड द सेंस ऑफ द वेक्टर, द सेंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अगर किसी वेक्टर में हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई वेक्टर गिवन है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज सेंस एंड
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज सपोर्ट। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। सेकंड पॉइंट इज सेंस, मतलब क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किस साइड पे गिवन है, यहाँ पे डायरेक्शन ए से बी की तरफ गिवन है, अगर एरो का साइन मैं उल्टा कर देता हूँ तो डायरेक्शन मेरे पास बी से ए की तरफ हो जाएगी, तो सेंस ऑफ वेक्टर विल बी रेसिप्रोकेटिंग, उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। इसके बाद सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, द इनफाइनाइट लाइन, द इनफाइनाइट लाइन ऑफ विच द वेक्टर इज अ पार्ट, वेक्टर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर, इज कॉल्ड द सपोर्ट। अब अगर हम लोग इसी डायग्राम की बात करें, इसमें मेरे पास अगर मैं कहूं AB वेक्टर है, देन AB इस तरह से मॉडुलस डाल रहा हूं, मॉडुलस का मतलब होता है ए और बी के बीच में डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से AB वेक्टर मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और एरो साइन रिप्रेजेंट सेंस, और उसके बाद ये देखिए यहां पे मैंने डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर मेरा यहां से ए से लेकर बी तक था, उसके बाद मैंने ये लाइन आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ बढ़ाई हुई है, देन दिस इनफाइनाइट लाइन एल जिसका ये वेक्टर एक पार्ट था, दिस इनफाइनाइट लाइन एल इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है जी, हमारे पास है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। अब पोजीशन ऑफ वेक्टर हम लोग करते हैं दो तरीके से, इन टू डायमेंशंस एंड सेकंड वन इज इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन हम लोग प्लस वन क्लास में थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी है, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। टू डायमेंशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। नाउ सी हियर, लेट अस सपोज मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अगर मैं O को P के साथ ज्वाइन कर देता हूं by giving this direction, ऐसे arrowhead डाल देता हूं, then here OP vector is called the position vector of the point P and is generally represented by small r vector। ठीक है जी, अगर two dimension की बात करें, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं let O is origin in two dimensional space, in two dimension, then P x y is any point, then OP vector is the position vector of point P। OP vector जो है point P का position vector है। अब अगर हम लोग point P से perpendicular draw करते हैं x-axis के ऊपर, let us consider this point is M, तो x और y coordinate के हिसाब से ये distance हमारे पास x हो जाएगा और ये distance हमारे पास y हो जाता है। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इस ट्रायंगल के लगाते हैं तो we can see that OP vector magnitude distance OP vector हमारे पास क्या हो जाएगा, under root of x square plus y square। चाहे तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट x y कंसीडर करके हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, या इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, दिस इज x स्क्वायर दिस इज y स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसके हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास r क्या आ जाएगा, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, सेंस होता है, सपोर्ट होता है, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई पॉइंट हम लोगों को गिवन है उस पॉइंट का अगर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर निकालना है तो जनरली हम लोग उसको ओरिजिन के साथ पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो पॉइंट गिवन होता है उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशनल स्पेस। अब बात करेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल स्पेस की, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास इस तरह सकते हैं, तीन एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड अगेन हियर पॉइंट पी इज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। क्योंकि थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन पॉइंट्स आ जाते हैं एक्स वाई और जेड, और इन तीन पॉइंट्स को अगेन ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0
टू जीरो वहां से हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन दिस इज ओपी वेक्टर गिवन बाय आर वेक्टर. ठीक है, और यहां से फिर से परपेंडिकुलर किसी तरह से ड्रॉ करते हैं, देन ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. पिछली बार मैंने पी के साथ एक्स वाई लिखा था, अब की बार मैं पी के साथ एक्स वाई एंड जेड लिख रहा हूं. वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर गिवन बाय आर वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x square plus y square plus z square. So this is the representation of a position vector of any vector या of any point represented. अगर two dimensional में कहा है तो हम लोग उसको इस तरह से x comma y OP vector इस तरह से represent करते हैं. अगर three dimensional में होगा तो हमारे पास x y और z की form में होगा. Again representation will remain same और यहाँ पे हमारे पास e x y और z की form में हो जाएगा. टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास जीरो वेक्टर और नल वेक्टर होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर. नाउ अब जीरो वेक्टर से हम लोगों को क्या पता चलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख देना है कि लेट अस कंसीडर कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. इसका मतलब ये नहीं होता. जीरो वेक्टर का मीनिंग होता है एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम रहता है. राइट डेफिनेशन, एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, दैट इज whose initial and terminal point, coincide. Let us suppose, example देता हूँ. यहाँ पे मेरे पास एक point है. ये point को मैं इस तरह से move करना शुरू करता हूँ. This is point A. See here, ये इस तरह से direction में move कर रहा है. और उसके बाद मूव करने के बाद यहीं पे पॉइंट खत्म हो जाता है और इसका फाइनल पॉइंट बी हो जाता है. अब देखिए आपका इनिशियल पॉइंट मूव करने के बाद दोबारा से यहां पे एंड हो गया जहां पे आपका इनिशियल पॉइंट था. टर्मिनल पॉइंट भी वहीं पे आ गया. तो इसका मतलब ये मेरे पास ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा. सिमिलरली मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं. लेट अस कंसीडर दिस इज ए पॉइंट. ए से मैं बी की तरफ गया हूं और उसके बाद बी से मैं सी की तरफ गया हूं और उसके बाद सी से मैं दोबारा से ए की तरफ जाता हूँ. यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्शंस साथ में मेंशन कर रहा हूँ. फर्स्टली आई स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव टू पॉइंट बी, देन स्टार्ट फ्रॉम बी पॉइंट मूव टू पॉइंट सी, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम सी पॉइंट एंड देन अगेन मूव टू पॉइंट ए. तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो गए. तो इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वैक्टर और नल वैक्टर. या अगेन कोई बात, आपका वेक्टर यहां से स्टार्ट ही नहीं हुआ या यहीं पे रह गया है, मैग्नीट्यूड इसकी जीरो रह गई. तो इसका मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर ये भी हो सकता है कि आपका वेक्टर जो है डायरेक्शन स्टार्ट नहीं हुई इवन देन जीरो वेक्टर, या डायरेक्शन स्टार्ट होने के बाद जो इनिशियल पॉइंट था आपका फाइनल पॉइंट भी वहीं पे आ जाता है, देन दैट इज आल्सो नोन एज जीरो. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर. सेकंड डेफिनेशन इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर बेटा एक बात याद रखिएगा, यूनिट का मतलब होता है वन. मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो यूनिट वर्ड यूज किया जाता है उसको हम लोग वन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिख देते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर. ऐसे करते हैं अ वेक्टर के साथ मैं यहां पे इस तरह से लिख दूंगा अ वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर. इस तरह से लिख दीजिएगा अ वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए और इसके ऊपर इस तरह से कैप डालना है एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय
एक है। जनरली जो यूनिट वेक्टर होता है हम लोग उसको कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट इसी डेफिनेशन के बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस are represented by i cap small i उसके ऊपर cap लगाना है comma j cap and k cap respectively। ये word respectively का meaning है कि जो i cap है that is the unit vector along x axis, j cap जो है वो unit vector along y axis होता है और k cap जो है वो unit vector along x z axis होता है। यहाँ पे देखिए छोटी सी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तीनों डायरेक्शन मान लीजिए मैं 1 यूनिट पे जाता हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज ओरिजिन ओ, देन ओ ए इज आई कैप, ओ बी इज जे कैप एंड ओ सी इज के कैप, और ये तीनों की तीनों इंग्लिश अल्फाबेट आई जे के स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने, स्मॉल आई कैप, स्मॉल जे कैप और स्मॉल के कैप। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, क्योंकि ये 1 यूनिट है, आई कैप का मॉडुलस 1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, सिमिलरली जे कैप का मॉडुलस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 यूनिट के साथ एंड सिमिलरली के कैप जो है उसको भी हम लोग 1 यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड, मतलब क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। तो जब हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जब भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होता है उसके साथ हम लोग उनके यूनिट वेक्टर जरूर लगाते हैं, और अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 यूनिट आती है देन दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स हूज इनिशियल पॉइंट इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। दोबारा बता रहा हूँ, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, डायरेक्शन की हम लोग टेंशन नहीं। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं ए पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ से ए वेक्टर चला गया मेरे पास ए बी वेक्टर, और इसी तरह से एक वेक्टर चला गया मेरा इस डायरेक्शन में सी वेक्टर, इसी तरह से एक वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर चला गया। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए सी और ए डी सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, सो दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। अब वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है, इफ एनी टू वेक्टर्स, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, any two vectors are parallel to same line या parallel to the same vector, कोई भी दो vector अगर किसी same line के parallel हैं या अगर किसी same vector के parallel हैं are called collinear vectors। again यहाँ पे irrespective of direction, लेकिन बेटा ही irrespective of डायरेक्शन, एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, मतलब अगर कोई एक लाइन गिवन है उसके पैरेलल होने चाहिए। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे मैं ड्रा करके बताता हूँ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एल, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन एल है, यहाँ पे एक वेक्टर मेरे पास ए बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है, हाँ जी, इसका नेम होगा डीसी वेक्टर, क्योंकि देखिए डायरेक्शन मैंने दूसरी साइड पे कर दी है, इसको सीडी वेक्टर नहीं बोलना,
ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट, तो ये ए बी वेक्टर, और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट डी है और टर्मिनल पॉइंट मेरे पास सी है, देन दिस विल बी नोन एज डी सी वेक्टर। अब यहाँ पे ये देख लीजिए ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों सेम लाइन एल के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। अब ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दूं आपके पास कि ये मेरे पास ये ई और एफ एफ ई वेक्टर है, लेकिन ये एफ ई वेक्टर इस लाइन के पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, सो दिस वेक्टर विल बी नॉट बी द कोलिनियर, ओनली दोज वेक्टर व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट the two vectors are also called to be collinear vector if they are parallel to each other irrespective of their direction, chahe wo opposite direction mein hi kyun na ja rahe hain, theek hai ji, note kar lijiye beta, fir aage definition karte hain iski like vectors ki definition ye hai two vectors are said to be like vectors if they are having same direction, two vectors are like vectors if they are having same direction. बेटा जी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सेम डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा। लेट अस सपोज मेरे पास ये ए बी वेक्टर है, दिस इज स्मॉल वेक्टर ए बी, और एक ये मेरे पास सी डी वेक्टर है, चेक कीजिए दोनों की लेंथ डिफरेंट है बट दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो आई कैन से दैट द टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। उसके बाद अनलाइक वेक्टर्स, सेम वही बात, अनलाइक वेक्टर में हम लोग ये कहेंगे टू वेक्टर्स आर सेट टू बी अनलाइक वेक्टर इफ दे आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेन टू वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर्स इफ दे आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर से बेटा यहां पे दोबारा बता रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात की है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। दिस इज ए बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज डीसी वेक्टर, ये देखिए इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है बिल्कुल इसके एबी के, तो एबी और डीसी वेक्टर्स आर अनलाइक वेक्टर, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों की अलग अलग है। तीसरी बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, देन द टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। लाइक वेक्टर और इक्वल वेक्टर में यही फर्क है, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं होती लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड की बात होती है। और नेगेटिव वेक्टर, टू वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेक्टर्स विद ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम, opposite direction and same magnitude. अब यहां पे देखिए अनलाइक वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन थी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं थी, यहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक ए बी वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड को मैं अब की बार डायरेक्शन इस साइड पे कर देता हूं, तो दिस इज ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर, सो ए बी वेक्टर can be written as minus of BA vector. तो इसको हम लोग negative of the vector बोल सकते हैं। Understand? ठीक है बेटा जी।